ऐसी कौन सी जगह है जहाँ की सरकार अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तब बारिश करती है? उस शहर का नाम है दुबई। दुबई शहर के एक तरफ रेगिस्तान है और दूसरी तरफ समुद्र है। अब रेगिस्तान में तो पानी मिलता नहीं और समुद्र का पानी को साफ करने में बहुत पैसे लगते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1000 लीटर समुद्री पानी को साफ करने में 4400 रुपये खर्च होते हैं। इसके अलावा दुबई शहर में साल भर में 7 से 8 बार ही बारिश होती है। इसीलिए दुबई शहर को पानी की समस्या से बचाने के लिए दुबई गवर्नमेंट ने अपना एक क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी बनाई है, जिसकी मदद से आप बारिश तो छोड़िए आर्टिफिशियल बर्फबारी भी करवा सकते हैं। आज इस टेक्नोलॉजी का यूज करके दुबई सरकार दुबई शहर से कुछ दूरी पर स्थित हजर की पहाड़ियों में समुद्र के पानी से उठने वाले बादलों के ऊपर प्लेन की मदद से सिल्वर आयोडाइड नामक केमिकल का छिड़काव करवाती है। दरअसल ये केमिकल एक तरीके से बादलों को बारिश करने के लिए फोर्स करता है। इस वजह से वहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है। फिर इस पानी को वहाँ पर बने हट्टा डैम में स्टोर कर लिया जाता है। इसकी मदद से बिजली भी बनाई जाती है और दुबई शहर के लिए डेली यूज के लिए पानी भी मिल जाता है। इसी तरह की गजब की टेक्नोलॉजी हमारे देश में भी आनी चाहिए। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।